प्रतीक ने अभिजीत को कहा बेईमान। हुआ प्रतीक और अभिजीत का जबरदस्त झगड़ा। दोस्तों, घर में चल रहा है कैप्टेंसी टास्क और इस टास्क के दौरान झगड़ा ना हो भला ऐसा कैसे हो सकता है। प्रतीक अभिजीत के बीच झगड़ा दरअसल शुरू कुछ इस तरह से हुआ कि यहाँ पर घर के कैप्टेंसी के चार दावेदार जो है, यानी कि शमिता, करण, तेजस्वी और राखी जो है, वो बाकी घर वालों से राय मांग रहे थे, जहाँ पर सभी इन चारों दावेदारों को कैप्टन बनाने के लिए बात कर रहे थे। इसी बीच प्रतीक ने जो है कहा कि यहाँ पर सब बेईमान है, यहाँ पर किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए। और इसी बात पर जो है अभिजीत भड़क उठते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ पर बेईमान कौन है। यहाँ पर गुस्से में प्रतीक जो है वो अभिजीत से कह देते हैं यहाँ पर बेईमान तू है। और उसके बाद जो है अभिजीत का भी पारा चढ़ जाता है और फिर अभिजीत भी अपने फॉर्म में आ जाते हैं और अभिजीत कहते हैं कि ये बिग बॉस का घर है, किसी के बाप का घर नहीं है। जैसे ही बाप का नाम लेते हैं अभिजीत, वैसे ही प्रतीक का तो खून खौल जाता है और प्रतीक कहते हैं कि तूने बाप का नाम कैसे लिया, जरा बता तेरी हिम्मत कैसे हुई बाप का नाम लेने की। और फिर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। हम आपको बता दें दोस्तों, अभिजीत बिचुल के जिसका अक्सर घर वालों से झगड़ा होता रहता है, क्योंकि वो जो है मस्त मौला है और मुफट है और कुछ भी कह देते हैं, जिसके बाद घर वालों को बुरा लग जाता है उनकी बातों का। वेल, आपको कौन सही लगता है, कौन गलत, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बिग बॉस 15 से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।